बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक वीडियो से। आपको याद है जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो इस तरह का एक वीडियो सामने आया था प्रियंका गांधी का, जिसमें वो सांपों से खेल रही हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रियंका ने सांपों से नहीं खेला था। पूरा मामला आप बताएंगे आपको। लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान सांप से खेलने के मामले में प्रियंका गांधी को क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि दो सपेरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अंसा का पुरवा गांव में 2 मई को सांप के साथ प्रियंका वाड्रा का सांपों के साथ खेलने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको लेकर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डीएम से शिकायत की थी। इसकी जांच में प्रियंका वाड्रा को अब क्लीन चिट दी गई है, जबकि मामले में दो सपेरों के खिलाफ वन विभाग ने केस दर्ज कर लिया है। तो प्रियंका सांपों से खेल रही थी, लेकिन उनको तो क्लीन चिट दे दी है। इन सपेरों पर जरूर आपको बता दें कि केस दर्ज हो गया है। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, प्रियंका गांधी को क्लीन चिट मिल गई, सांपों से वो खेल रही थी, लेकिन जो सपेरे उनके खिलाफ ही उल्टा केस दर्ज हो गया। जी बिल्कुल जसराज जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो है बीती 2 मई का मामला है, जब प्रचार चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी सपेरों के गांव, ये उत्तर पारा में पड़ता है, रायबरेली से थोड़ा सा शहर से बाहर जाके 10 किलोमीटर से सपेरों का गांव पड़ता है, जहां पे सपेरे रहते हैं, उस गांव में गई थी प्रियंका गांधी और वहां पे उन्होंने लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी थी। इसी दौरान जो है वो दो सपेरे जो थे वो उन्होंने अपनी पिटारी साथ ही खोल रखी थी, जिसमें जो है सांपों को छू कर प्रियंका ने और हाथों में लेकर देखा था। उसकी FIR उसकी बाकायदा जो है चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी, जिस पर तत्कालीन जो है वो DFO ने जो है वो जांच बैठाई थी। उन्होंने अपने विभाग के ADSO को जांच सौंपी थी, तो वो उस जांच दल ने जो है वो प्रियंका गांधी को क्लीन चिट दे दी है। उस क्लीन चिट के बाद अब वहां के रहने वाले दो सपेरों पर जिन्होंने अपने सांपों की शिकारी खोली थी, उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और प्रियंका गांधी को क्लीन चिट दे दी गई है कि उन्होंने सांप से नहीं खेला था। जी विवेक, अगर बात करें जिस तरह पुलिस ने की तरफ से इन पर केस दर्ज किया गया है, लेकिन प्रियंका गांधी को किस आधार पर क्लीन चिट दी गई है? जी बिल्कुल, अभी जांच में जो भी कुछ सामने आया है उसमें जो जांच करने टीम गई थी उन्होंने प्रियंका गांधी को सांपों से खेलते हुए नहीं पाया। उनकी जांच में सिर्फ सपेरों की बात आई है कि वो सपेरे पिटारी अपनी खोल के सांपों को दिखा रहे थे प्रियंका गांधी के सामने, प्रियंका गांधी सांपों को छू रही थी या सांपों को से खेल रही थी, ऐसा कुछ जांच टीम ने नहीं पाया है। इसी आधार पर उन्होंने प्रियंका गांधी को क्लीन चिट दी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह प्रियंका गांधी को क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन सपेरू के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। ये सांप से खेलने का उनका वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये हुआ था।